हेलो स्टूडेंट्स साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के इस दूसरे पार्ट में आपका मैं स्वागत करता हूं। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ठीक है इससे पहले हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि साइकोलॉजी क्या होती है और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था तो क्या है कि लर्निंग क्या होती है लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं लर्निंग कितने प्रकार की होती है और इनको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखेंगे तो आइए शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सबसे पहले देखेंगे कि लर्निंग होती क्या है वॉट इज लर्निंग तो लर्निंग क्या है सरल शब्दों में बोले तो व्यवहार में परिवर्तन जिसमें क्या होगा एक नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मौजूदा ज्ञान और कौशल को संयोजन करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है लर्निंग इससे क्या होगा बिहेवियर में चेंज इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि हमारे साथ कई कई हमारे दोस्त होते हैं हो सकता है आपके ब्रदर सिस्टर आपके कोई भी रिलेटिव हो जो कि आपने जिन्हें बचपन से देखा हो या आप जिन्हें जानते हो फिर क्या हुआ कुछ टाइम बाद वो सेना में चले गए आर्मी नेवी कहीं भी और जब वो लौट कर आते हैं वहां से उन्होंने एक ट्रेनिंग करी एक प्रोसेस के थ्रू गए वो और जब वो लौट कर आए तो आपने देखा उनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया क्यों होता है एक प्रोसेस उन्होंने फॉलो करी और आपने देखा कि पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया छोटों के साथ कैसे बात करनी है बड़ों के साथ कैसे बात करनी है पता है प्रॉपर डिसिप्लिन में है कर्टसीज आ गए हैं मैनर आ गए हैं तो यह लगता है कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हो गए ऐसा क्यों हुआ उन्होंने कुछ लर्न किया कुछ सीखा जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो अधिगम या सीखने का सीधा अर्थ ही होता है व्यवहार में परिवर्तन जिसमें आप नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं और मौजूदा ज्ञान व्यवहार और कौशल को उससे संयोजित कर देते हैं इसी को कहा जाता है सीखना या अधिगम ठीक है अब इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको और बताना चाहूंगा जिनका आगे बार बार यूज होगा जैसे कि स्टूमुलस उद्दीपन संवेदना और प्रतिक्रिया तो व्यवहार का जो आधार होता है उससे उद्दीपन माना गया है बिहेवियर का हमारा जो भी आधार होता है उसे उद्दीपन माना गया है उद्दीपन क्या होता है उद्दीपन वो कारक है जिसके कारण मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। याद रखिएगा उद्दीपन वो कारक होता है जिससे मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील हो जाती है ठीक है और ज्ञानेन्द्रियों की जो क्रियाशीलता होती है उसी को संवेदना कहा जाता है जिसके एवज में हमारा माइंड हमें बोलता है कि अब आपको कुछ करना है और हम रिस्पॉन्स करते हैं ठीक है ठीके? जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी पे एक मच्छर बैठा है ना मच्छर ने आपको काटा ये हुआ क्या मच्छर जो है वो एक उत्तेजना पैदा कर रहा है ठीक है ना आपको काट रहा है उत्तेजना पैदा कर रहा है जिससे आपकी संवेदी अंग जैसे त्वचा हुई उसने माइंड को संवेदना भेजी क्रियाशील हुई उसने क्या करा मच्छर के काटने ने मच्छर की जो तेजना है आपकी त्वचा को संवेदन किया या संवेदना को क्रियाशील किया और आपने क्या करा फलस्वरूप आप उस जगह पर हाथ मारते हैं हाथ रखते हैं उस मच्छर को हटाने की कोशिश करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस है ठीक है ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आगे हम देखेंगे जब लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे वहां पर इस चीज का कहीं यूज आएगा वहां पर इस चीज का प्रयोग आएगा तो अभी बस हमको इतना ध्यान रखना है कि उत्तेजना क्या होती है उत्तेजना वो चीज है जिसके कारण हमारी ज्ञान इंद्रिया क्रियाशील होंगी और हम फिर प्रतिक्रिया करेंगे ठीक है तो इन एनर्ट शैल वॉट इज लर्निंग की बात करूं मैं तो चेंज इन बिहेवियर होगा ठीक है और, और क्या क्या होगा व्यवहार में परिवर्तन होगा व्यवहार संगठित होगा और एक नवीन प्रक्रिया की पुष्टि होगी डेफिनेटली जो हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने बताया कि आर्मी की पूरी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तब उनमें चेंज होता है ठीक है वहां पर वो अपने ओल्ड स्किल्स ओल्ड नॉलेज ओल्ड बिहेवियर को भी यूज करते हैं नया सीखते हैं और लर्निंग होती है तो ये था लर्निंग आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होता है तो लर्निंग मुख्य रूप से दो टाइप का होता है एक होता है इंसिडेंटल लर्निंग और एक होती है डेलीबरेट लर्निंग तो सबसे पहले देखते हैं इंसिडेंटल लर्निंग जिसे कहा जाता है हिंदी में अनुसांगिक अधिगम तो अनजाने में मनुष्य जो भी सीखता है उसे अनुसांगिक अधिगम कहा जाता है और यह अनजाने में सीख रहा है इसे इसीलिए इसे अनविलिंग लर्निंग भी कहा जाता है और यह सीखना बिना किसी विशेष प्रयासों के हासिल हो जाता है इसीलिए इसे अनिश्चित अधिगम भी कहा जाता है ठीक है इस प्रकार का जो अधिगम है वो प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन और नकल यानी कि इमिटेशन पर आधारित होता है या उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है अब इसके एक उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ठीक है और वो देखता है कि यार घर के सभी लोग बाइक यूज कर रहे हैं बाइसिकल यूज कर रहे हैं है ना कई बार आपने देखा होगा या ऐसा हो ही जाता है कि आप उसको सिखाते नहीं हो कि इसको चलाना कैसे है आपको कुछ दिन बाद पता चलता है अरे यार ये तो चलाने लग गया है ना तब तो हम शॉक्ड होते हैं कई बार खुश भी हो जाते हैं कई बार डांट भी देते हैं कि हमने मना करा था अभी तक क्यों सीख लिया ठीक है तो ये क्या है इसे अनविलिंग लर्निंग है उसको पता नहीं इसके प्रोज और कॉन्स क्या है ठीक है बाइक चलाना एक अच्छी बात है लेकिन छोटे बच्चे को बाइक नहीं चलाना चाहिए कि या जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाए उसे बाइक को रोड पे लेकर नहीं जाना चाहिए इस चीज़ की नॉलेज नहीं है वो तो ये देख रहा है कि हमारे बड़े कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ठीक है तो ये वो अनजाने में सीख गया लेकिन इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं जैसे कि अच्छी बातों के साथ बुरी बातें भी सीखी जा सकती हैं इसी एग्जाम्पल में बात की जाए तो अपने दोस्तों के पास ले गया दोस्तों ने कहा एक पहिए पे चलाओ ओवर स्पीडिंग करो हाँ भाई बहुत अच्छी बात है करेंगे लेकिन इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं तो अच्छी बातों के साथ इसमें बुरी बातें भी सीखी जा सकती हैं दूसरी है उपयोगी के साथ कुछ अनुपयोगी बातें भी सीखी जाएंगी डेफिनेटली इस एग्जाम्पल में नहीं किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेंगे तो ऐसा निश्चित होगा कि हमें जब एक प्रॉपर सिलेबस नहीं है हम एक प्रॉपर टाइमिंग में बंधकर काम नहीं कर रहे हैं हम एक नियमों से बंधे नहीं हैं तो हम कुछ अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें उपयोगी के साथ कुछ अनुपयोगी भी सीख जाते हैं तीसरा होता है सीखने का कुछ निश्चित उद्देश्य ना होने के कारण सीखना सही पद्धति से भी नहीं हो पाता है और इट्स ए फैक्ट कि जब आपको पता नहीं होगा उद्देश्य क्या है तो आप सीख ही नहीं पाएंगे तो कई बार सीखना विफल भी हो जाता है अधिगम अप्रभावी या निष्फल हो जाता है तो यह सारा कुछ आता है अनुसांगिक या इंसिडेंटल लर्निंग में जिसे अनविलिंग लर्निंग भी या अनिश्चित लर्निंग भी कहा जाता है दूसरा होता है डेलिबरेट लर्निंग जिसे हम लोग बोलते हैं सायासपूर्ण अधिगम विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रयत्न पूर्वक या जानबूझकर अधिगम श्रेणी में किया जाता है या इस श्रेणी में आता है इसमें विशेष मार्गदर्शन के आधार पर एक निश्चित दिशा में प्रयास करने से अधिगम प्राप्त होता है यह अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है ठीक है इस अधिगम में कई लाभ है जैसे कि कार्य एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है ठीक है तो अच्छी बातें ही जनरली आपको सिखाई जाएंगी ऐसा मैं किसी नेगेटिव एग्जाम्पल में बात नहीं करूँगा तो आपको अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं जनरली दूसरा होता है विशेष मार्गदर्शन से अधिगम का कार्य जल्दी और सही होता है जैसे हम बात करें कि हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस के इसमें एक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड और डिफाइन होता है हर एक कोर्स का एक उन्होंने प्रोटोकॉल एक उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि इसके तहत ये चीज़ें सीखी जाएंगी और इतना ज़रूरी होता है तो एक उसमें विशेष मार्गदर्शन देने के लिए अनुदेशक टीचर भी रखा जाता है जिसके कारण अधिगम का कार्य क्या होता है आसान हो जाता है जल्दी हो जाता है और सटीक होता है और तीसरा है कि सारी परिस्थिति पे हमारा नियंत्रण होने के कारण जितना भी हम एफर्ट्स लगाएंगे वो सारे सक्सेस होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है डेलिबरेट या सयासपूर्ण लर्निंग जिसमें हम विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रयत्न पूर्वक अधिगम करते हैं अब जो सायासपूर्ण अधिगम भी है ये भी तीन प्रकार का होता है पहला होता है रोट लर्निंग दूसरा होता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग और तीसरा होता है रैशनल लर्निंग तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रोट लर्निंग या परिपाठी लर्निंग क्या होता है या परिपाठी सीखना इसे हिंदी में कहा जाता है तो किसी भी जानकारी को बार बार दोहराकर, रटकर जो समझना होता है वो इसके अंतर्गत आता है तौर पर छोटे बच्चों के साथ ये देखा होगा आपने नर्सरी या केजी या इनिशियल क्लासेस में कि जब उनको पहाड़े गिनती और कुछ चीज़ें सिखाना होती हैं तो दोहराई जाती हैं बोला जाता है टीचर बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं आप इसको दोहराइए पोएम्स वगैरह हम बोल रहे हैं आप इसको दोहराइए तो दोहरा दोहरा कर दोहरा दोहरा कर उन्हें सिखाया जाता है या ये काम दे दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पाँच बार सात बार लिख कर लाइए तो बार बार उस काम को करने से वो चीज़ स्टूडेंट के दिमाग में हो जाती है और अधिगम किया जाता है लेकिन इस प्रकार के अधिगम में क्या होगा समय अधिक लगेगा और व्यक्तिगत विचार जो है प्रशिक्षण के वो प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पहले ही समय ज्यादा लग रहा है इसमें और अगर ये प्रोसेस भी डाल दी गई तो अधिगम बहुत ज्यादा समय लेगा जिससे एक निश्चित समय में अधिगम को पूर्ण करना संभव नहीं हो पाएगा इसीलिए व्यक्तिगत विचार इसमें प्रकट नहीं हो पाते हैं तो इसे कहा जाता है परिपाठी सीखना या परिपाठी अधिगम दूसरा होता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग जिसे कहा जाता है भूल त्रुटि अधिगम इस अधिगम में क्या होता है कि किसी भी कार्य को बार बार किया जाता है और उसमें से गलतियों को हटाया जाता है गलतियों को हटाकर काम को बार बार करके सीखना ही भूल त्रुटि अधिगम कहलाता है ठीक है इसमें क्या किया जाता है भूल या गलतियां जो भी हैं उनके कारण को समझा जाता है और उन्हें सुधार किया जाता है अब इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत तौर पर आप सोचते हैं विचार करते हैं जिससे आपकी विचार करने की और समझने की शक्ति बढ़ती है स्वयं निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ती है और सफलता अगर आपको मिलती है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा जिससे आप आगे बढ़ेंगे और आपका जो अधिगम है वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा लेकिन इस प्रकार की पद्धति में भी कुछ दोष पाए जाते हैं पहला तो दोष यही है कि इसमें समय काफ़ी लग जाता है दूसरा बार बार गलतियाँ होने के कारण कई बार उत्साह में कमी आ सकती है और आप उस काम को छोड़ ही देते हैं तीसरा समय पर आधारित पाठ्यक्रम पाठ्यक्रमों के लिए ये जो विधि है वो उपयुक्त नहीं है और डेली प्रैक्टिस के लिए भी ये सही नहीं है क्योंकि पहले आप पुराना तो कंप्लीट करिए तब नए पे प्रैक्टिस करेंगे लेकिन अगर इतने ज़्यादा इसमें कौन से हैं तो क्यों किया जा रहा है ये क्यों इस प्रकार की अधिगम है क्यों इस प्रकार की अधिगम का प्रयोग किया जाता है तो जितने भी रिसर्च वर्क्स होते हैं इन्वेंशन होती हैं खोज होती हैं कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इसी बेसिस पे किया जाता है जैसे कि आज के तौर पे आज के टाइम में हम देखें कि अभी कोरोना का मेडिसिन नहीं आया है पूरा विश्व परेशान है तो क्या कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस या कोई प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस डिफाइंड है नहीं है तो क्या करेंगे तो ये ट्रायल एंड एरर ही करेंगे ये उस वायरस का सैंपल है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है हजारों तरह की मेडिसिन है हजारों तरह के केमिकल्स हैं डेली उन पर हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए उसमें डेली कॉम्बिनेशन चेंज किए जा रहे हैं बार बार देखा जा रहा है कि अभी सक्सेस नहीं हो रहे हैं ठीक है शायद ये गलती है इसे सुधारो ये गलती हो गई इसे सुधारो फिर से प्रयास करो गलती सुधारो फिर से प्रयास करो और निश्चित ही तौर पर कुछ दिनों में इसकी मेडिसिन मार्केट में आ जाएगी मतलब एक सफलता मिलेगी तो ये जितने इंस्टीट्यूट्स हैं ये जो इस काम में लगे हैं इस प्रोसेस में लगे हुए हैं वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग बेसिस पर ही काम कर रहे हैं सक्सेस हो जाएंगे तो हमें मेडिसिन मिल जाएगा तो ट्रायल एंड लर्निंग जो है वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ की जाती है इसके बाद जो डेलीबरेट लर्निंग की आखिरी लर्निंग प्रोसेस है दैट इज़ रेशनल लर्निंग या जिसे हिंदी में कहा जाता है बुद्धि संगत अधिगम तो सामूहिक शिक्षा के लिए ये पद्धति सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसी पद्धति का प्रयोग करा जाता है इसे तार्किक पद्धति माना जाता है अधिगम की प्रक्रिया और सिद्धांतों के आधार पर इस पद्धति में क्या क्यों और कैसे क्या क्यों और कैसे इन बातों को ध्यान में रखकर अधिगम किया जाता है क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ तो सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा आपका इंटरेस्ट आएगा तो क्या होगा इंटरेस्ट आएगा तो आप उस चीज को सीखना चाहेंगे आप उस चीज को करना चाहेंगे तो इसीलिए इस पद्धति में लाभ जो है वो अधिकतम होता है इस पद्धति में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है प्रशिक्षु को और शिक्षण भी बहुत प्रभावी होता है इसके कुछ लाभ होते हैं जैसे कि विद्यार्थी इसमें सोच समझकर सीखते हैं इसलिए अधिगम क्या होता है स्थाई होता है सीखना भी क्या होता है निर्धारित समय में पूरा किया जा सकता है और समय भी बचता है विद्यार्थी अपनी तार्किक शक्ति का उपयोग करते हैं इसमें विद्यार्थी की सहभागिता बढ़ती है और इंटरेस्ट बना रहता है ठीक है और सभी उम्र के विद्यार्थियों के लिए पद्धति उपयुक्त होती है तो ये थे टाइप्स ऑफ लर्निंग आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं तो छात्रों को बेहतर सीखने के लिए या सिखाने के लिए अधिगम के सिद्धांतों को जानना एक प्रशिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसे जब पता होगा तभी वह प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको एक प्रभावी ढंग से ले जा पाएगा प्रशिक्षण प्रभावी होगा तभी अधिगम भी प्रभावी होगा तो आइए देखते हैं कि अधिगम के सिद्धांत क्या क्या है इसमें सबसे पहला सिद्धांत होता है लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलेशन मतलब शिक्षण जो होता है वो या माफ कीजिएगा जो अधिगम होता है वो उत्तेजना या उद्दीपन का परिणाम है तो इसे मैंने जैसा पहले ही बात करा था कि उद्दीपन क्या होता है आपकी ज्ञान इंद्रियों को वो फैक्टर जो क्रियाशील करें तो जैसे ही आपकी ज्ञान इंद्रियां क्रियाशील होंगी है ना आप में संवेदना होगी और आप प्रतिक्रिया करेंगे प्रतिक्रिया करते हैं तो एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे जब हम कर रहे हैं हमने डिफाइंड कर रखा है कि प्रोसेस के थ्रू हमें प्रतिक्रिया करानी है और जब आप प्रतिक्रिया करेंगे एक्शन करेंगे तो आप किसी चीज को सीखेंगे जो कि आपके व्यवहार में परिवर्तन करेगा व्यवहार में परिवर्तन सीखेंगे सीखते जा जाएंगे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता जा जाएगा इसीलिए कहा जाता है कि जो अधिगम है वो उद्दीपन का परिणाम है ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस मतलब सीखना पिछले अनुभवों पर आधारित होता है तो सीखना उसी चीज से शुरू हो जाता है जो शिक्षार्थी जानता है ना कि जो शिक्षक जानता है ठीक है और यह बहुत जरूरी होता है कि जो प्रशिक्षु जानता है प्रशिक्षक वहीं से प्रशिक्षु को सिखाना शुरू करे जिससे क्या होगा जिससे यह होगा कि उसका उसमें इच्छा बनेगा उसका इंटरेस्ट बनेगा नहीं तो कोई नई चीज से नई चीज को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको समझाना या किसी प्रोसेस को उसे किसी प्रोसेस में लाना तो अगर हम उसे किसी पुरानी अनुभव या पुरानी जानकारी से नई जानकारी को जोड़कर बताते हैं तो अधिगम बहुत प्रभावी होता है तीसरा पॉइंट होता है लर्निंग जो होता है वो उसके लिए गतिविधि की आवश्यकता होती है मतलब लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटी तो इफेक्ट एक है कि जो भी चीज़ हम करके खुद देखते हैं वो हमें ज़्यादा तरह से हमारे दिमाग में स्थायी रहती है क्योंकि जैसे जैसे हमारी इंद्रियाँ जितनी इंद्रियाँ किसी काम को करने में इन्वॉल्व होंगी वो चीज़ उतने ही अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में सेट हो जाती है या हम उस प्रक्रिया में उतने ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और जैसे आप प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे वैसे ही आप व्यवहार में परिवर्तन करेंगे और उतना ही प्रभावी आपका अधिगम होगा तो जो लर्निंग है उसके लिए एक्टिविटी रिक्वायर होती है या सीखने के लिए गतिविधि की आवश्यकता होती है इसके बाद अगला पॉइंट है अर्ली सक्सेस इंक्रीजेस चांस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग मतलब शुरुआती सफलता होती है वो प्रभावी शिक्षण के चांस बढ़ा देती है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी कार्य को करते हैं और शुरुआती चरण में ही अगर आपको सफलता मिले ठीक है तो ये क्या करेगी ये आपका एक इंटरेस्ट डेवलप करेगी आपकी विलिंगनेस को डेवलप करेगी ठीक है आप उस काम को करना चाहते हैं आपकी इच्छा पैदा कर देगी अगर आप शुरू में ही सफल हो गए और आपका इंटरेस्ट बन जाएगा उसके अंदर और फिर क्या होगा लर्निंग बहुत ईजी हो जाएगी और इफ़ेक्टिव हो जाएगी इसको इस तरीके इस से लिया जा सकता है कि आप किसी कोचिंग में गए किसी एग्जाम की तैयारी करने आप श्योर नहीं थे आपको लेके गए आपका फ्रेंड चलो यार चलते हैं वहां पर आप गए वहाँ पर तीन चार दिन आपने पढ़ा और एक टेस्ट वहाँ पर उन्होंने किया और उस टेस्ट में आप टॉप कर गए तो अब आप कोशिश तो कर रहे थे आप सीख रहे थे लेकिन वहाँ पर आप फर्स्ट टाइम ही सक्सेस हो गए तो ये आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट कर देगा आपका इंटरेस्ट एकदम से बढ़ा देगा नहीं यार मैं तो कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली करूँगा सीखूंगा इसीलिए जो शुरुआती सफलता होती है वो अधिगम को प्रभावी बना देती है अगला है नॉलेज ऑफ पर्पस यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ थिंग्स टू बी टॉट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव मतलब अधिगम का जो उद्देश्य है उसका अनुप्रयोग है और उपयोग है वो सीखने को अधिक प्रभावी बना देता है तो आपको कोई चीज पता होगी कि मैं इस चीज को क्यों कर रहा हूं है ना इसके प्रयोग क्या है अगर इसको आप जानकर करेंगे और जो कि आपका अधिकार है कि आपको जानना है कि सीखने की आवश्यकता क्या है अगर आपको ये पता है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और ये एक अनुदेशक की जिम्मेदारी होती है कि शिक्षार्थी को उसकी रुचि कि शिक्षा के उद्देश्यों को समझाएं मतलब उसके इंटरेस्ट भी लाएं और उसके उद्देश्यों को समझाएं उद्देश्य आएंगे उसके इंटरेस्ट से जोड़ेंगे तो डेफिनेटली जो होगा लर्निंग वो इफेक्टिव होगा आप बताएंगे इसके एप्लीकेशन क्या है ये आपको इसकी नीड है इसके एप्लीकेशन के आपके आगे के करियर में आपको इससे बहुत फायदा होगा तो डेफिनेटली जो है लर्निंग इफेक्टिव हो जाएगी क्योंकि स्टूडेंट का उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा अगला पॉइंट है लर्नर लर्न वेन दे आर विलिंग टू लर्न प्रशिक्षु तभी सीखेगा जब उसमें सीखने की इच्छा होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप उसको नहीं सिखा सकते जब तक वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है और उस प्रशिक्षु सीखने के लिए तैयार क्यों नहीं है क्योंकि उसमें इच्छा नहीं है सीखने की तो ये क्या होता है कि भाई उसके अंदर हमको ये इच्छा पैदा करनी है प्रशिक्षक को ये इच्छा पैदा करनी है और ये इच्छा कैसे पैदा करी जाती है आप अपने विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करके उसके बारे में उसके फायदे बताकर उसके अंदर प्रशिक्षु का इंटरेस्ट लाए और एक बार वो जब तैयार होता है तो अधिगम प्रभावी हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है अगला है कंटिन्यूस इवेल्यूएशन इज एसेंशियल टू इफेक्टिव लर्निंग मतलब प्रभावी शिक्षण के लिए निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है ठीक है सीखने वाला जो भी कार्य करता है उसकी तुलना करनी चाहिए हमेशा ऐसा नहीं है कि आप क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स की तुलना कर दें लेकिन आप कंटिन्यूसली टेस्ट लीजिए उसका इवेलुएशन करिए एक स्टैंडर्ड सेट करें और अगर वो स्टैंडर्ड्स को पाते जाता है वो स्टूडेंट तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं पर्टिकुलर जो मेरे लिए स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं उन स्टैंडर्ड्स पे मैं खरा उतरते जा रहा हूँ तो कंटिन्यू कंटिन्यूस इवेलुएशन मतलब लगातार मूल्यांकन करना आवश्यक है जैसा कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग में भी हमने देखा कि अगर वो मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं बन रहा है तो उसमें जो गलतियां हो रही है उसको सुधार रहे हैं गलतियां कैसे पता करता है क्योंकि वो अपनी मेडिसिन को टेस्ट करता है इवेल्युएट करता है लगातार उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो जिसके कारण क्या होगा एक टाइम पर हमें मेडिसिन मिलेगा मतलब लर्निंग हमारा इफेक्टिव हो जाएगा इसीलिए कंटिन्यूस इवेलुएशन जो है वो प्रभावी प्रभावी अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगला है रिपीटेशन हेल्प टू डेवलप स्किल किसी काम को बार बार करने से वो स्किल डेवलप हो जाती है फैक्ट है ये पहले क्या होगा आप काम को करना शुरू करेंगे फिर उसमें आप एक्यूरेसी लाएंगे एक्यूरेसी लाने के बाद फिर कुछ टाइम में आप उसे प्रॉपर स्पीड में करेंगे प्रॉपर वर्कमैनशिप में करेंगे जो कि स्किल के एलिमेंट्स होते हैं आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो काम को या स्किल को आप बार बार करते हैं तो बार बार करने से क्या होगा आप गलतियों आपको पता चलती है उसे दूर करते जाते हैं और आप अपने कौशल को विकसित करते हैं अगला जो प्रिंसिपल है वो है लर्नर लर्नस एट डिफरेंट रेट जितने भी जो लर्नर होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनका मेंटल फिजिकल स्टेटस अलग अलग होता है इसीलिए जो कि उनका सीखने का दर भी है वो भी अलग होगा तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही अधिगम किया जाना चाहिए तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग आगे देखते हैं कि लर्निंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या होते हैं जिनसे अधिगम प्रभावित होता है तो जो फैक्टर्स जो अधिगम को प्रभावित करते हैं उनको देखते हैं इसमें सबसे पहले होता है रेडीनेस मतलब तत्परता किसी भी कौशल को या किसी भी विषय को सीखने के लिए मानसिक रूप से जो तैयार होना होता है उसे ही कहा जाता है तत्परता अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं मतलब आप उस विषय को बहुत प्रभावी ढंग से सीखेंगे उसमें आपका इंटरेस्ट एकाग्रता आएगा जिससे आप उसे शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से सीखेंगे और जब आप इस तरीके से सीखते हैं तो आप सबसे प्रभावी तरीके से सीखते हैं इसीलिए तत्परता होती है वो अधिगम को बहुत प्रभावित करती है दूसरा जो कारक है वो है इंटरेस्ट या रुचि रुचि से तात्पर्य होता है कि जो गतिविधि आपको आनंद दे जो भी चीजें हैं जो भी एक्टिविटी आपको आनंद देती है वो कहलाता है आपका इंटरेस्ट तो जिन विषयों में आपको मजा आता है अच्छा लगता है उसे आप जल्दी सीख जाते हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आता है आपका इंटरेस्ट नहीं है उसे आप देर से सीखते हैं तो ये फैक्टर बिल्कुल सिंपल है जो कि लर्निंग को बहुत अधिक प्रभावित करता है तीसरा होता है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमता बुद्धिमता प्राकृतिक क्षमता और सामर्थ्य होती है जो व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करती है और प्रत्येक व्यक्ति की इंटेलिजेंसी का लेवल है वो अलग अलग हो सकता है क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनकी फिज़िकल इकोनॉमिकल और जो बोलना चाहिए मेंटल बैकग्राउंड है वो भी डिफरेंट होते हैं जिसके कारण इंटेलिजेंसी लेवल भी अलग अलग होगा तो इंटेलिजेंसी लेवल या इंटेलिजेंसी या बुद्धिमता जो होता है वो अधिगम को बहुत अधिक प्रभावित करता है अगला पॉइंट होता है मोटिवेशन या अगला फैक्टर है मोटिवेशन ये बहुत बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर होता है सो so, उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक आवश्यक तत्परता के स्तर को ही प्राप्त करना प्रेरणा कहलाता है या मोटिवेशन कहलाता है ठीक है मतलब आपके अंदर जो रेडीनेस का लेवल है उसको प्राप्त करना है आपकी तत्परता को प्राप्त करना ही मोटिवेशन कहलाता है तत्परता आएगी तो आप में इंटरेस्ट आएगा आप उस काम को जल्दी सीखेंगे तो अगर मोटिवेशन दिया जाए किसी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को मोटिवेट करा जाए उन्हें ये बताया जाए कि आप इसे कर सकते हैं आप इसमें सक्षम हैं तो जो अधिगम है वो बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है और निश्चित ही तौर पर अधिगम सफल होता है अगर मोटिवेशन पॉजिटिव दिया जाए तो अगला जो फैक्टर है वो होता है एटीट्यूड जिसे कहा जाता है रुख या दृष्टिकोण ये अंतर्मन की सोच होती है जो अंतरमन की शक्ति को निर्देशित कर उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायक होती है, ठीक है? किसी व्यक्ति का जो रुख होता है वो उसकी व्यक्तिगत विचारधाराओं विचारधाराओं के आधार पर होता है जिसे वो पसंद या नापसंद करता है तो अगर उसका जो रुख सकारात्मक होगा विषय के प्रति तो वो सीखेगा बहुत जल्दी सीखेगा और सफल होगा और अगर नहीं है तो इसके विपरीत परिणाम होंगे तो एटीट्यूड जो होता है वो बहुत अधिक प्रभावित करता है अधिगम को अगला पॉइंट होता है फीलिंग फीलिंग या भावनाएं हमारे शरीर में होने वाली शारीरिक संवेदना होती है ठीक है तो जो संवेदनाएं पॉजिटिव हो रही हैं जो संवेदनाएं है, हमें विषय से जोड़ रही हैं वो मदद करती हैं विषय को सीखने में अधिगम को प्रभावी बनाने में और जो नहीं करती हैं ऐसा वो विषय से हमें दूर ले जाती हैं या भटका देती हैं अगला पॉइंट होता है फ्रस्टेशन फ्रस्टेशन अगर बात करें तो क्या होगा कि आप किसी चीज को बदलना चाह रहे हैं किसी चीज को हासिल करना चाह रहे हैं और अगर वो नहीं होता है तो उस टाइम पर जो परेशान होना या जो नाराज होने की भावना होती है वो कहलाता है हताशा या फ्रस्ट्रेशन मतलब आप उस चीज़ को बदलने की जो असमर्थता होती है उस समय जो गुस्सा या जो नाराज होने की भावना होती है वो फ्रस्ट्रेशन कहलाते हैं तो हताशा तो हमेशा ही लर्निंग को अप्रभावी कर देती है और ख़त्म कर देती है तो जब भी ऐसा हो कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो स्थिति से थोड़ा सा ब्रेक लें विषय से थोड़ा सा ब्रेक लें खाली समय में कुछ आपको जो इंटरेस्ट का काम है वो करें और फिर वापस से आप एक दुग्ने जो उससे आप उस काम को करें तो पूरा कर सकते हैं उसे आप तो अधिकम को प्रभावित करता है फ्रस्टेशन अगला पॉइंट होता है इंडिविजुअल डिफरेंस इसके बारे में हम पहले भी बात कर सकें कर चुके हैं कि सीखने वालों के पास अलग अलग तरह के दृष्टिकोण होते हैं अलग अलग के तरह के उनके फिजिकल और सोशल बैकग्राउंड्स होते हैं जिसके कारण उनमें डिफरेंस होते हैं तो इसी कारण जो अधिगम को ये डिफरेंसेस बहुत प्रभावित करते हैं तो इस चैप्टर में अभी तक इतना ही है उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्योंकि इनका आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्व है तो इस टॉपिक को अच्छे से देखिए वीडियो को सीखिए अच्छे से जो भी डाउट्स होंगे अगर कोशिश करेंगे कि अगर आप कमेंट्स में लिखें तो मैं उनको आपको क्लियर कर सकूँ है ना तो देखिए थैंक यू